देखो तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलोरिस, तो हम ये जो बॉन्ड लिखा सी एक्स बॉन्ड इसका नेचर पूछ रहा हो। अब मैंने सी अगर बी आर लिया तो अपन बंदो बोलेंगे सी बॉन्ड बी आर। चलो चलो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड तो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि स्ट्रांग है कि वीक है ये पूछ रहा हो। लेकिन बताओ ये स्ट्रांग है कि वीक है, ये बताने के लिए जैसा मैं कि तो दोनों को कंपटीशन होना चाहिए ना, तो कौन मजबूत है और कौन कमजोर है, स्ट्रांग और वीक है। ये अपना यूनिट का नाम क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स और अरेन्स। इसका मतलब कि ये जो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड है या सी बॉन्ड बी आर है, इसका कंपैरिजन उसे अल्किल हैलाइड के, क्या के अल्किल हैलाइड के सी बॉन्ड एक्स से करा, यानी कि सी बॉन्ड बी आर से करा। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड एग्जांपल ले लो। इथिल ब्रोमाइड में जो दिखा है सी बॉन्ड बी आर, ये सी बॉन्ड बी आर जो होगा वो अल्किल हैलाइड का हो गया, और ये सी बॉन्ड बी आर जो होगा वो हेलो अल्केन्स का हो गया। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड अगर हमको करने का है, दो लोगों में कंपैरिजन करना पड़ेगा हमारे को। एक करना पड़ेगा अल्किल हैलाइड के सी एक्स सी सी एक्स या सी बॉन्ड बी आर का नेचर मालूम करना पड़ेगा, और एक सी बॉन्ड बी आर के हेलोरिस नेचर मालूम करना पड़ेगा। जब हम दोनों का नेचर मालूम करेंगे तब हम मालूम पड़ेगा कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड किसका ज्यादा और किसका कम है। यानी जब हम नेचर बताते हैं तब उसके साथ कंपैरिजन करना पड़ रहा। टॉपिक समझ में आ रहा? यस हम आंसर किसको रेफरेंस में दे रहे हैं? हम आंसर हेलो अरिन्स और हेलो अल्केन के रेफरेंस में दे रहे हैं। तो चलो पहले नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं दो एग्जांपल के बारे में पास लेता हूं, ठीक है? यहां से आंसर शुरू करता हूं। देखिए इधर हमारा सी एच थ्री, सी एच, ये एच और ये बॉन्ड बी आर, ये नेचर ऑफ सी बॉन्ड बी आर इसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद ये हेलोरिंस है हमारे पास, और यहाँ पर मैं सी बता रहा हूँ हमारे को, और सी बॉन्ड बी आर, सी बॉन्ड बी आर नेचर के बारे में सोचेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से बना लेना, और तुम्हारे को जहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पूछ लेना मेरे को। यहाँ पर क्या है, एच है, एच है, एच, 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 और ये एच है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो मैं क्लियर है सबका? पढ़ा यस रहे? तो पहला बोलता हूं कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड या सी बॉन्ड बी आर इन हेलो अरेंज। देखो दिल से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं लिख के समझा दे रहा। इन हेलो अरेंज आर स्ट्रॉन्गर देन हेलो अल्केन्स। चलो क्लियर है? वो बता रहा कि जो सी एक्स बॉन्ड जो हेलोरिंग्स में का है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सी बॉन्ड बी आर है, सी बॉन्ड एक्स इन हेलो अरेंज में का, और ये बहुत कमजोर है। इसको तो कमजोर बोल रहा नहीं, पर इसके नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड अपने हेलोरिंग्स में बता रहे, इसी कंपैरिजन में इसको करके बता रहे। चलो आई बात समझ में? यस सर। अब इसका रीजन क्या है? चलो रीजन तो मालूम करना पड़ेगा ना कि भाई, पहले तो मालूम पड़ेगा परसेंटेज अपनी दे कि सी एस सी बॉन्ड बी आर जो रहता है वो हेलोरिस में का बहुत स्ट्रांग रहता एज कंपेयर टू सी बॉन्ड बी आर इन हेलो अल्केन्स, एज कंपेयर टू सी बॉन्ड बी आर इन हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन जो है वो आईपी से नाम है अल्किल हैलाइड, बिकॉज बिकॉज अभी यहां से बोलेंगे अपन, बिकॉज अभी बिकॉज क्यों लग रहा उसको बड़ा तुम्हारे को। अब बिकॉज बोलो यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा कौन से एमिनेशन में, sp3 हाँ यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 के हाइब्रिडाइजेशन में है। ये जो कार्बन है ये कौन से एमिनेशन में बोलो? sp2 हाँ तो बस ये जो मजबूती की या स्ट्रॉन्ग बनी की पहली वजह ही है, पहला रीजन ही है ये हेलो अरिंस में जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और अल्किल हैलाइड में जो कार्बन एटम है वो sp3 में है, और sp2 से जो बॉन्डिंग बनती है वो स्ट्रांग रहती है एज कम्पेयर टू sp3 से। क्लियर है? और जाहिर सी बात, अगर अपने को और अच्छा अच्छा भी सोचे, ये सिंगल बॉन्ड है जल्दी टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ज्यादा तोड़ने में लगेगा।
ट्रिपल हावे नहीं है। यस सर। तो पहला रीजन समझ गया क्यों स्ट्रॉन्ग है, हम क्या बोलेंगे भाई, तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो अरीस इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हेलो अरीस सी बॉन्ड बी आर ऑफ हेलो अल्केन, बिकॉज इन हेलो अरीस कार्बन और कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इन हेलो अरीस कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन sp3, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन sp2 इज स्ट्रॉन्गर देन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहला पहला रीजन समझ गया। यस सर। लिख लेना उसको। चलो फिर आगे दूसरा रीजन बताओ। यस सर। चलो दूसरा रीजन के बारे में अगर अपन सोच रहे हैं थोड़ा बहुत सुनना आया क्या, दूसरे रीजन के बारे में अगर अपन सोचेंगे तो तुमको समझ बस चलिए बोलता हूँ। मैं पहला रीजन बता देता बेटा कि मैं हाइड्रोलिज में सी बॉन्ड बी आर जो मजबूत है जो स्ट्रांग है उसकी वजह यही है कि हेलो अरीस में कार्बन आइटम sp2 में है और हेलो अल्केन में कार्बन आइटम sp3 में है, sp2 से जो बॉन्डिंग बनती है बहुत स्ट्रांग रहती है एज कम्पेयर टू sp3 से, ठीक है भाई। अब दूसरी दूसरा सेकंड सेकंड रीजन देखने का हमारा दूसरा रीजन देखने का सेकंड रीजन देखने का है और ये भी बता दे रहे हैं सेकंड रीजन भी कौन पड़ जाता है कि बाय दोनों बेंजीन या हेलो अरीस by halogens are ortho and para directing, उसी रीजन में हमको यही मालूम पड़ जाएगा ये halogens by ortho और para directing क्यों है ये भी हमारे को समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है देखते क्या होता। तो दूसरा जो बॉन्ड है वो मजबूत क्यों है उसकी रीजन देखने का हमारे को, एक मिनट रुक जाओ। इन डालूंगा इसमें दूसरी नजर अपने ये देख रहे बेटा कि क्लोरो बेंजीन पर क्या रहता इलेक्ट्रॉन की पेयर रहती, क्लोरो बेंजीन पर क्या रहती इलेक्ट्रॉन की जोड़ी रहती उसको बोलते इलेक्ट्रॉन पेयर, हर एलिमेंट हर एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में देख लिया है ना, क्या सारे बात अपन ने पढ़े हुए नहीं पढ़े तो चलता ठीक है। देख लो बात नंबर एक बात नंबर दो दूसरा रीजन बता रहे तुम तो हाइड्रोजन सी बॉन्ड एक्स तो स्ट्रॉन्ग है ये जो हमें पहले देख लो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये क्लोरीन है इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस पर कितने लोन पेयर है तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो इनका ये चौथा पैसा ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी क्लियर है सबका, लेकिन इस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे बताते आया ना। यस सर। तो ये क्या करेगा जब गौर से देखो यहाँ कंडीशन समझ बेटा क्लोरो बेंजीन में से जो क्लोरो अभी उससे रीजन बता रहे हैं कि यहाँ कंडीशन अब चालू है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच और यहाँ भी एच के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एल है और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन की पेयर है, देखो क्या होगा क्लोरीन क्या करता अपने पास के जो तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर है कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर बता रहा है थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर वन टू थ्री उसमें से क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन की पेयर अपने अपने जो कार्बन जो बेंजीन का कार्बन है उसको दे देगा, यहाँ तो वो क्लियर समझ में आएगा यहाँ देख लो कैसा क्लियर समझ में आएगा बॉन्ड बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी का रही ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप करने पा रही ऐसी इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में पार्टनरशिप करने पाएंगी ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्लोरीन और कार्बन आइटम क्या करेगा पार्टनरशिप करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा ट्रिपल हावेन है। यस सर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा हो जाएगा वहां पर कौन सा कैरेक्टर पैदा हो जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा थोड़ा गौर से देखना यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के जुड़े बचेंगे इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब अगर मैंने देखो गौर से देखा तो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच क्या हो जाएंगे कार्बन की वैलेंसी पांच हो जाएगी ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगा एक दो तीन चार और पांच हो गए हमारा क्या, तो जैसे ही क्लोरीन क्या करेंगे अपने पास के इलेक्ट्रॉन की जोड़ी एक इलेक्ट्रॉन की पेयर बेंजीन के कार्बन को देगा ये इलेक्ट्रॉन की पेयर कार्बन को बाहर निकलेंगे जैसे ही अगर आएंगे ये पेयर कार्बन की बाहर निकलेगी तो क्या बनेगा हमारे ये जैसा था वैसा ये बॉन्ड पर कोई फर्क पड़ा नहीं है बॉन्ड पर कोई फर्क पड़ा नहीं ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की पेयर आ गई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये जो हो गया ये बाहर निकल गया
ये कार्बन पर क्या आ गया, ये बॉन्ड बाहर निकल गया, और ये कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव तो 1 2 3 4 चार बॉन्ड पूरे उसके, और इसके भी 1 2 3 4 वो ये कार्बन पर चला जा गया नेगेटिव चार्ज आ गया। आधा समझ में, नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पर आएगा बोलो, अर्थो। हां नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन से पोजीशन पर आ गया, अर्थो पोजीशन पर आ गया। थोड़ा सा गौर से देखना मैं क्या बोलना चाहता था, चलो ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज अर्थो पोजीशन पर आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बोले तो क्या आ गया, ये जो दो को बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये लोग इस पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, बाहर एकदम कौन से पोजीशन पर आ गए, अर्थो पोजीशन पर आ गए। अब ये क्या करेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, बेंजीन पर क्या करेंगे, हरकत करना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे। अब ये बॉन्ड का जाएगा अंदर जाएगा, ये बॉन्ड का आएगा फिर बाहर आएगा, जैसे ही अंदर जाएगा देखो क्या होगा, जैसा का वैसा, ये ऊपर क्या दिखा तुम्हारे को, जैसा का वैसा डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ पे फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पे फर्क पड़ा नहीं, इसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता, इलेक्ट्रॉन की कमी से आता, ये बॉन्ड जैसा का वैसी था, ये अंदर आ गया, ये जैसा अंदर आ गया ये बॉन्ड जैसे क्या हो गया, बाहर निकल गया। फिर हमको पता चला कि आप नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी बोले तो मंगल वाले को, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ गई, एक बार अर्थों पर बढ़ गई, एक बार प्यारा पर बढ़ गई, और बोला हवे ने, यस सर। फिर से क्या होगा, गौर से देखो, फिर से अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी अंदर जाएगी, इसलिए अंदर जाएंगे फिर से बाहर आएगी, बाहर आते से हमारे को क्या मिलेगा, फिर से देखो जरा कंडीशन, देखो हमारे कैसी होगी, तो ये जैसा था वैसे ही, इधर इलेक्ट्रॉन की जोड़ा जैसे वैसे, अपन पॉजिटिव चार्ज जैसा वैसा, इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ये एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड आ गया अंदर गया, तो अंदर गया यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, जैसा ये अंदर आया फिर से बाहर आ गया, फिर से क्या हो गया, और तो पोजिशन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अरे बोला हवे ने, हाँ अब देखो ये तो समझा दे तुम्हारे पास कैसा हो रहा था क्या हो रहा था। अब ये जो चार्ज है निगेटिव चार्ज फिर से अंदर जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड आया था जो क्लोरीन के पास आया था फिर से जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो हमको लास्ट वाला स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, देख लो जैसा था वैसा, इसको कोई फर्क पड़ रहा नहीं, ये अंदर आ जा रहा डबल बॉन्ड बन जा रहा, क्लोरीन जैसा वैसा था ये बॉन्ड फिर से ऊपर जा रहा, दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी तीन से ऊपर जाने की वजह से क्या मिलेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जैसी की वैसी आ गई। अरे बोला हवे ने, यस सर। तो ऐसा सी और एल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैलोजन से पैदा हो जा रहे, और ऐसा सी बॉन्ड एल अगर मिथिल क्लोराइड में अगर देखेंगे अपन, मिथिल क्लोराइड है इथिल क्लोराइड में अगर अपन देखेंगे ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा होने वाले नहीं है, इसको दिया भी मतलब उस तरफ जाने की जगह नहीं है, समझ आ रहा क्या, यस सर। और जितना डबल बॉन्ड घूम रहा उतना अटैक करना क्या हो रहा मुश्किल हो रहा, और हमको सब पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अर्थों पर प्यारा पर और अर्थों पर क्या हो रही बढ़ जा रही, इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई बेंजीन रिंग पर आएगा, जब भी क्लोरो बेंजीन पर अगर आएगा, जब भी कोई अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्लोरोबेंजीन का जब हम क्लोरीनेशन कर रहे थे या नाइट्रेशन करे तो NO2 था, ध्यान रखो HNO2 लिखा था मैंने, OH बॉन्ड NO2, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था, बोला हवे ने, हमारे केमिस्ट्री पर हमेशा पहले से पॉजिटिव चार्ज रहता, दूसरे से नेगेटिव चार्ज रहता, उल्टा बोल दिया मैंने, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ले रहे थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन का जा रहा था आर्थो पोजीशन पर जा रहा था, इसका मतलब कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो भिखारी है, वो कहा जाएगा जब इलेक्ट्रॉन मिलते, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बेंजीन रिंग में करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने वाले हैं, एक तो आर्थो पोजिशन पर मिलने वाले, एक तो पैरा पोजिशन पर मिलने वाले, एक तो आर्थो पोजिशन पर मिलने वाले, मेटा पोजिशन पर ऐसा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है कहीं, अरे बोलो, नो सर। इसका मतलब जब भी क्लोरो बेंजीन पर रिएक्शन होंगी तो कौन से पोजीशन पर होंगी, आर्थो और पैरा पोजीशन पर होंगी, इसलिए क्लोरो बेंजीन कौन सा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जब भी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर लाएंगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, आर्थो पर और पैरा पर आएगा, क्योंकि आर्थो पर पैरा पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आके डेवलप होता
हमारे उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और पॉजिटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियल स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशियल स्पेसीज कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पर आएंगे। और ये सब हमें पता चला कि ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सबको क्या बोलते हैं रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चला कि जितना मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता उतना मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है। और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमको पता चला कि कार्बन और क्लोरीन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसमें पैदा होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसकी बॉन्डिंग कम हो जाती है, इसलिए हेलोरिंग नेचर ऑफ हेलोरिंग में सीएक्स बॉन्ड क्या रहेगा बहुत स्ट्रांग रहेगा। पहले रीजन है हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू एसपी थ्री, दूसरा रीजन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बताते हैं कि क्लोरोबेंजीन में जब भी हम नाइट्रेशन करेंगे सल्फोनेशन करेंगे करें ना अपने क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजनेशन करें बोल हवे ने ना रिएक्शन कहां पर हो गई ऑर्थो और पैरा पर हो गई। क्यों ऑर्थो और पैरा पर हो गई, अब तुम पता चल गया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पता चलता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज कहां पर पैदा होता कहां पर प्रोड्यूस होता ऑर्थो और पैरा पर प्रोड्यूस होता। जब भी कोई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यानी भिखारी आएगा वही जाएगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां पर हमला करेगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोर्शन पर हमला करेगा, इसलिए क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और मेटा डी डायरेक्टिंग है, मेटा पर कोई आएगा नहीं। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा होने की वजह से नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो गया एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन्स। डबल सबका क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। एग्जाम में अगर तुम्हें पूछेगा राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये बनाना पड़ेगा तुम्हारे को राइट डाउन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो ये बनाना पड़ता। देखो कितने बनाना पड़ता है, एक दो तीन चार ये पांचवा और आखिरी पर रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना पड़ता। कौन सा हाइब्रिड बनाना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाते गौर से देख लो कि भाई आखिरी पर हम बोलेंगे कि भाई ये बेंजीन ऐसी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनाते। देखो आखिरी पर हम बताएंगे कि क्लोरोबेंजीन है जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते रहेगा जाते रहेगा, क्योंकि फिर से देखो फिर से यहाँ पर क्या हो गया क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया सबका। भाई यहाँ पर तुम्हारा जो था पूरा हेलोजन डिलीटेड एल्केन और अरेंज का क्या हो गया दी एंड हो गया। आ गया समझ में? अब सर न्यू चैप्टर ऑफलाइन में लेना ना। क्या बोला? न्यू चैप्टर ऑफलाइन में लेना ना। मैंने क्या बोला जो ऑनलाइन में होगा और ये यूनिट बहुत अच्छा होगा आज ही तक ले रहे। मैंने क्या बोला कि ये यूनिट बोले तो चार यूनिट आते फ्री में और जो ऑनलाइन में होगा मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने पहले बोल के रखा था क्योंकि भाई तो नया यूनिट जो शुरू कर रहे ना। हाँ नया यूनिट जो शुरू कर रहे हो ऑफलाइन में डायरेक्ट शुरू करना। अब जब तक रुकते क्या डायरेक्ट शुरू करेंगे कल अपन तब पॉसिबल नया यूनिट सर। और ऑनलाइन के अंदर स्टैंड भी कम है और फिर ज्यादा समझ भी नहीं आता ऑनलाइन के अंदर। जब तक मैं छुट्टी नहीं ले सकता जब तक तुम तुम्हारा काम करो मैं दूसरे भी हो जाता भाई, क्योंकि टाइम पर तुम्हारा एग्जाम टाइम पर हुई तो मैं क्या करूँ। फेब्रुआरी में अगर तुम्हारा एग्जाम हो रहे समझ पहले बोर्ड के भी आज से महीने कितने बाकी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 7 महीने तो बाकी है। बोले गए फेब्रुआरी में होंगे वो पता तो नहीं आता। और दूसरी बात एक यूनिट को 15 दिन लगते भाई मेरे को 16 यूनिट है मेरे पास टोटल। सात दो 14 यूनिट हो रहे अपने पास 7 महीने के हिसाब से तो अभी एक यूनिट तो अपना 12 का अरे आ गया नहीं। यस सर। यस मैं सोच रहा था उन्होंने ऑफलाइन शुरू कर देना ट्यूशन और मैं अभी तरीकामा में फुल तो दोनों की घंटे लेके तुम्हारे खतरा खत्म कर देगा।
बाद में दिन कैसे सर आते को जब कैसे नहीं, बोलते तब करते नहीं है और जब नहीं बोलते तब करते हैं। और तो उनको थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने कहा था डिस्प्यूट मैटर हो गया उनका, तो कहाँ सर बच्चों को बुरा बुरा बोले ना, तो जरा कार नाराज हो जा रहे, अब तो कार नाराज हो जाए, फीस वीस के बारे में बुरा बोलते ना सर बच्चों को, इसका तो रोज ताने चालू किया उनके। वो खान सर का ईमान पैसे चाहिए था भी। अभी वैसे हाल के अलग कोरोना की वजह से बच्चे थोड़े लोग फीस लेट कम ज्यादा चलते रहता है, अब बारहवीं वाली जितने तब तो मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोले ऑफलाइन शुरू करो ऑफलाइन शुरू करो, हमारे नीट के एग्जाम है नीट के एग्जाम है, जाके सर बोले पैसे भरो तो चालू करता, फिर वो मैं अकेले चालू कर सकते भाई, वो बोले तुम्हारे क्लास पर आते हैं, बोले यहाँ पर, मैं बोला तुम यहाँ पर आएंगे तो वो क्या बोलेंगे मैंने धोखा दे दिया, गलत है कि सही है। यस सर, अब उनका 2 ही महीने बाकी है, तो बोले तुम पूरी फीस कंप्लीट करो तो हम ट्यूशन शुरू करते, बोला अब कैसा करता, ट्वेल्थ वालों की जब तुम मेन है कि ट्वेल्थ वाले मेन है, मेरे को बोले इतना पहले, अभी तो 12th वाले हैं। फिर वो उनके उनके रोज मैसेज आते लड़कों के, बता दो तुम्हारे को थोड़ा देखते नहीं, सर ऑफलाइन शुरू करो, बोलो ना खान सर को ऑफलाइन शुरू करने का, मैंने मैं क्या बोलूँ, फीस कितनी बाकी है मालूम है सबकी, कितनी कितनी सर? ज्यादा ज्यादा सब एक एक के 10-10 हजार या 20-15-20 हजार का, उसके ऊपर कोई बाकी नहीं, यार 90% फीस जमा है, फिर भी 50%, फिर भी वो 10-10 हजार 15-15 हजार फिर भी चालू नहीं कर रहे हो, अब बोल तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कर मैं अच्छा मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तो बोलते तो तुम्हें भी बोलते यार सर कब शुरू कर रहे सर, फिर पहले साल बहुत हो जाएगा ना, फिर अपना यस सर मैंने बोला तुम सोचो, मैं कहा डॉक्टर कार को बोला तुम सोचो जरा अच्छे से, मैं बोला ये खान सर मेरे को सौ सर को बदलने का सोच रहे थे बोले वो लाते बोले सर अभी तो नया बोलते लाए थे उन्होंने, बोले मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ रफिक सर को पढ़ाने का नहीं बोलता, बोले हाँ तो सुन रहे क्या, तो वो अंदर उनका टेंशन नहीं लेता मैं, तो अल महमूद के सर लाए ला रहे थे पढ़ाने को, बोले इनको ले लो, बोले चाहे तो बोले तुम्हारे को पढ़ाने की फीस भी लेंगे, बोले बच्चे तुमने फीस देना, बोले ये वैसे प्रैक्टिस करने आएंगे, बोले जितने देने का उतने दे देना, बोले डॉक्टर कार नहीं बोले, डॉक्टर कार नहीं बोले, बोले मेरे को नहीं होना, बोले तो उनके वहां से जान पर आ गए फिर वो जाके सर, शायद ये लोग डॉक्टर कॉलेज में जा रहे भी थे, इनको 2-3 बार पढ़ाई भी थे, असली तुम्हारे को याद है क्या, ये से पढ़ाए थे उन्होंने उनको, हाँ और एक फिजिक्स की भी सर है वो भी लाए थे उन्होंने, दो सर लाए सर, एक ही सर है वो दोनों भी पढ़ाने का बोल रहे थे, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जावेद सर, हाँ तो ऐसे पूछते भी थे वो, तो डॉक्टर कार ने नहीं बोल दिया ना उनको, तो थोड़ा सा उनको जब से जान पर आएंगे तो उनके घोड़े गाँव के चलो नाइमा तो उनके जैसे क्या सब, अभी डॉक्टर कार बोल रहे तो जरा उनका उन्होंने खान सर ने भी सेपरेट बोर्ड भी लगा दिया ना अपना, हम पिछले हाँ, साल से को भी बोले बोले मैच मैच की सेपरेट मैच चालू कर रहा है, बोले मैं पिछले साल तो एडमिशन कम से कम 50 तुम्हारे तुम्हारे बैच का एडमिशन 50 गायब हो गए, वो जानते मैं नहीं बोलता जाके सर की वजह से गायब हो गए, पढ़ पढ़ के सुना रहे बोले ऐसा बोल रहे थे, और दूसरी बात तो क्या बोल रहे थे एक बार फीस थोड़ा उन्होंने कंसिडर नहीं करे, जब 1,25,000 बताए तो 1,25,000 के नीचे उतरी ही नहीं, समझ रहे क्या, मैंने थोड़ा सा मतलब फीस अगर तुम थोड़ा कम भी करते थे या समझो 20,000 बता रहे तो 15,000 भी बता देते तो 100-70 एडमिशन रहते थे, अभी 6-7 बच्चों को पढ़ा रहे तो कम कमा रहे, 50 बच्चों को पढ़ाते ज्यादा कमाते, उसमें एक आधा बच्चा का 2-3 बच्चे अच्छे रहते थे रिजल्ट देते थे तो उतना अच्छा लगता था, तो इस बार गहरी वालों की फीस का मैटर नहीं कर रहे, कहा सर बोले अभी खान सर ने फीस कम नहीं कर दी, उन्होंने बोले सर अब जो जो भी अपनी फीस होती बोले वो फीस में अपने बच्चों को ले लेंगे, इनको बोलेंगे तुम करते तो करो ना दूसरे डालेंगे मिले कुछ सर, ऐसा उनका जो झगड़े तो उनको थोड़े से बन गया, अब उन किधर भी जाने को तैयार है, अब सर नहीं खान सर की तरफ नहीं आना, अरे किधर भी बोले तो 2 बातें करने को तैयार है,
तो छोड़ने को तैयार है, तो डॉक्टर कार की तरफ जाने को तैयार है, सीधी बात, आंसर तो अपने को तुरंत चाहते आया ना। यस सर। ऐसी बात है वो। बीच में एग्जांपल दे रहे थे ना वो, क्या बोले, अगर तुम्हारे पास दो टीचर है, बोले एक बाहर का है और एक बोले खुद अपनी फैमिली का है, बोले तो तुम बोले किसको लाएंगे, बोले नहीं, उनके पहले से सोचा हो, उन्होंने क्या करा था सर, उन्होंने बात बोला था कि मैंने इससे पहले देव थोड़ी मालूम कि जाके सर जो दामाद है, तो जाके सर की कंप्लेंट कर दिया, और उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हो, उनके बारे में तुम कुछ बोले तो बातें सुनाते हो, तुम्हारे इतने बातें सुनाते हो जिसके अभी शायद हसनिया ने कंप्लेंट करे थे कि बच्चों सब मिलकर कंप्लेंट करे थे कॉन्फ्रेंस में, हसनिया आया नहीं। अच्छा ये से हम सबने कंप्लेन करे थे, तुमने तो पूरा डांटे थे। तो सुनो तो सही, उस दिन क्या हुआ, फिर डॉक्टर कार ने सर को बोले, किसको, खान सर को, तो बोले कि देखो बोला नहीं बाप, आता ऐसे है तुमको, यस वादा पक्का पक्का नहीं बोलना, तो फिर डॉक्टर कार सर को बोले, उन्होंने डॉक्टर कार सर खान सर के पास गए, बोले यार जाके सर थोड़ा सा बोले यार ऐसे ऐसे कर रहे, तो फिर उन्होंने टेस्ट लिव भी दिखाया, तो शायद टेस्ट लिव में असनिया को 90 के ऊपर मार्क्स थे, है ना असनिया, यस सर। तो बोले देखो ना, बोले ये लड़की की तो अच्छे से कर रही, बोले बाकी के नहीं कर रहे, तो बोले उनका फॉल्ट रहता, बोले वो अपने को बोलते, बोले उनको थोड़ी आता, बोले तो बातों सुना उन्होंने, जबकि वो डॉक्टर कार हो रहे थे, हंसते ने सबने मिलकर कम करे, बोले तो उन्होंने बहुत बातों सुना बाकी के बच्चों को जिसमें कम नंबर लिए थे, बड़बड़ करे उनको, कुछ आता नहीं है, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं, वो भारी वालों को भी शुरू नहीं कर रहे बेटा, उसके लिए चलो मेरे भी पैसों का नुकसान हो रहा, उनका भी नुकसान हो रहा, सही बोल रहे। यस ऐसी बात है, चलो अच्छा होगा उनकी 12 की एग्जाम कैंसिल हो गई, नहीं तो कितनी बेकार बात, तो नीट में तो कोई काम की नहीं वैसे ही हो, लेकिन 12 की एग्जाम में कम परसेंट आते थे, चित कुतु करने की बात हो जाती, सही बोले। मैं तो और देता ही नहीं उनका था तो, अभी अरे फीस। उनका तो बैड लक थे, पूरा मैथमेटिक्स ऑनलाइन कंप्लीट करा रही थी उन्होंने, उनको फोटो खाली कुछ भी नहीं रहा था, मैथमेटिक्स का पागल चाली कर रहे थे, दो दो तीन तीन नंबर ले रहे थे 30 में से, अरे हमारा आधा मैथमेटिक्स करा दिया उन्होंने अभी। हाँ होता ही। तो इलेवंथ की बैच शुरू करने की थी, अब क्या हम क्या होता, बड़ा थोड़ा चेंज होता है इसमें, लेकिन समझ सर अभी डॉक्टर एडमिशन क्या हुई नहीं क्या? बोल रहे बेटा, क्या बोल रहे, एडमिशन हुई मुझे नहीं क्या सॉल्व 11 के सर अभी? एडमिशन तो बहुत है, तो डॉक्टर कहा तो बोले, तो कुबा के बच्चे सारे बेटा इधर आते ना, एडमिशन तो बहुत इनका रहे हैं, तो शुरू किया, अभी परमिशन नहीं मिली, तो शुरू नहीं कर रहे हो, मेरे पास भी तो कम से कम इंक्वायरी 10-15 आके चले गए, लेकिन वो कैसा क्या अपने को समझ में नहीं आ रहा, नहीं इनका क्या चालू है, तो मैं तो छोड़ने को भी तैयार हूँ दूसरी तरफ क्या है टेंशन, नहीं हमारा सब कट गया ना। तो ये बैच कंप्लीट करने लगाते ना कोई, तो अपन बोलते कि मैंने तुम्हारे बैच का 1 रुपया लिया, तुम्हारे बैच के पैसे नहीं लिया मैंने अभी तक, तो बोलते भाई मैंने बैच का पैसे नहीं लिया, 12 के बैच के लिया, तुम चाहे दूसरे को रख सकते हैं, और पैसों का नाम बदनाम मेरा करते हो, मेरे को बोलते कि रवि सर ने पैसे मांग रहे, रवि सर पैसे मांग रहे, रवि सर पैसे मांग रहे, सही बोलो, सर बच्चे भाग रहे ना, इसकी वजह से पैसे पैसे कर रहे हो, उनके मैथ्स को बच्चे दो कम तीन आया चले कर रहे गए हैं ना। मैथ्स को, और उन्होंने क्या करा, जिस दिन मैथ्स को कम है ना उस दिन हमारे सब्जेक्ट को नीचे दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने, देखो फिजिक्स में भी इतना मैथ्स आता, केमिस्ट्री में भी इतना मैथ्स आता, मैथ्स छोड़ देते, वो उनकी जान पर आती, अरे चलती रहता, रोज क्या की बोल रहे, काउंटिंग फिर रहती है सर उनकी मैथ्स पे से। वही बोला ना, अगर तुम पूरा मैथमेटिकली पढ़ाते बैठेंगे तो फिर तुमको आएगा क्या बेटा, तो है तो नीट में आता भी नहीं, तो क्वेश्चन देखो तुम सारे तुम्हारे तुम्हारे अपने सब पढ़ाते हुए आते ना, नीट अलग है, जेडब्ल्यू अलग है, जेडब्ल्यू पूरा मैथ्स ओरिएंटेड है, तो जेडब्ल्यू में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बनाया हुआ है, और नीट में बायोलॉजी जो है ना, समझ रहे हो तुम,
यस सर। दोनों की लेवल टफ अलग रहती है। तो जब से उनकी मुझे बहुत बुरा लगता है, पहले मैच में मैच को सब बच्चे थे, दूसरे मैच में बहुत कम हो गए थे, उनको लग रहा है कि इनके साथ रहने में मेरा कचरा हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आ रही है उनको। क्या बोलते हैं? यस सर। चलो ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, पूरे पूरे ए टू जेड, उस पर पेज नंबर भी डाले हुए हैं, जो एमसीक्यू तुमको मिला नहीं वो बुक में पेज नंबर डाले हुए हैं, और एमसीक्यू जो मिला नहीं बुक में जो पेज नंबर डाले हैं वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ क्वेश्चन है, हो सके तो मेरे को पूछना, ठीक है? यस सर। भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करो टोटल, ठीक है? यस सर। चलो कर, अल्लाह हाफिज। फैजान बहुत जल्दी आया, फैजान तो बड़े आखिरी पर छोड़ने आया कर भाई, फैजान खाना खाने के बाद आ गया था, फैजान को आओ खाना खाने ऐसा नहीं होना पड़ेगा, आओ फैजान हाथ धोने, ठीक है सर? अभी देखे जा रहा हूँ, हाथ धोने आया सब बोल रहा मैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज कर। अल्लाह हाफिज। हाय।